नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका स्वागत है। देखिए, मेयर चुनाव 22 फरवरी को है, ये तो तय है, लेकिन इससे पहले तमाम पार्टियों ने अपने कील कांटे बिछाने दुरुस्त कर दिए हैं। यानी मैदान कैसे मारा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए। और अव्वल दिक्कत तब हो जाती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग नए नवेले और चुने होते हैं। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर पार्षद नए नवेले हैं और काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं भी हैं। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से वोट होना चाहिए, किस तरह से बीजेपी के लोग बहला फुसला न सकें, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को इसको लेकर के खासा ध्यान रखते हुए अपना जो है बैठक हुई। और बैठक में ये तय किया गया कि किस तरह से अपनी ताकत रखनी है और किस तरह से अगर बीजेपी वोट करती है या फिर उकसाती है तो उसका क्या जवाब और किस तरह से देना है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मेयर चुनाव चाहे हम हारें या जीतें, लेकिन जो चुनाव परिणाम होगा प्रत्याशित होगा। अब इसके पीछे कहने का क्या मतलब है, कई सारे इसमें तर्क उतर्क किए जा सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि चुनाव परिणाम जो होगा वह चौंकाने वाला है। तो किस तरह का, चूंकि 138 का जो मैजिक नंबर है मेयर चुनाव को लेकर वो तो बीजेपी के पास है नहीं, तो आखिर इस कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? क्या बीजेपी कुछ खेल कर चुकी है? क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि आने वाले दिनों में जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा तो उसके ही 3 मेंबर जीत जाएंगे और जोनों में 7 जोन में एल्डरमैन के वोटिंग राइट करने से उसकी स्थिति तो है ही, और 7 और 3 10, तो जो मैजिक नंबर है स्टैंडिंग कमेटी का 10 वो ऑलरेडी बीजेपी के पास है। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी को जो नंबर चाहिए उस नंबर के लिए 10 और पार्षदों की वोट की जरूरत है, तो ऐसे में वो कहां से आएगा? क्या कांग्रेस समर्थन करेगी जो पहले ही बायकॉट कह चुकी है, या फिर बीजेपी के कुछ पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और ऐन वक्त पहले पर वो अपना पाला बदल देंगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए आधार बनाकर बार बार ये कह रहा हूं और हर वीडियो में कह रहा हूं क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कभी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, और तब और ज्यादा चांसेस हैं इस बात के, आशंका है, संभावना है, तब जब एंटी डिफेक्शन लॉ है नहीं, तो ऐसे में पाला बदल हो सकता है। तो पाला बदल को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं जाहिर तौर पर। अब देखना यह है कि आखिरकार क्या कुछ होता है, लेकिन ये बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, जो कि कुछ दिनों पहले तक ओवर कॉन्फिडेंस था, अब देखना ये होगा कि चुनाव परिणाम क्या आता है। क्योंकि चुनाव जीतने से पहले तो दावे हर कोई करता है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तभी जमीनी हकीकत पता लग पाती है। तो बहरहाल बने रहिए एमसीडी की राम कहानी के साथ, फिर आएंगे एक नए और कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।